नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब अपना समय बुरा चल रहा होता है तो अपने को हर तरफ से निराशा ही हाथ लगती है। ऐसा अगर कुछ केजरीवाल जी के साथ बोला जाए तो बिल्कुल सही, ये फिट बैठती कहावत उनके साथ। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि हरियाणा में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं, चुनाव की तारीख घोषित हो गई है, रिजल्ट कब आएगा उसकी भी तारीख घोषित हो चुकी है। और तो इसके लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसने अपनी पहली लिस्ट भी निकाल दी है, उसमें 67 उम्मीदवारों के नाम है। टोटल विधानसभा में 90 सीटें हैं। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो हरियाणा में इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। दरअसल कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट दे दी है, उसमें 32 नाम दे दिए। उसमें दरअसल मोस्टली वो लोग हैं जो पिछली बार चुनाव जीत कर आए थे, जिसमें अगर कई वर्गों में देखें तो उसमें 9 जाट लोगों को टिकट दी है, और जो पिछड़ी जो SC कैंडिडेट हैं वो 9 हैं, उसके बाद OBC हैं 7, ऐसे ही 1 पंजाबी 1 सिंधी है। इसी तरह से उन्होंने टोटल 32 लोगों को टिकट में शामिल किया, जिसमें 5 महिलाएं भी हैं। उसमें से एक नाम सबसे अजीब है, जो अभी खेल के मैदान से और राजनीतिक मैदान में आई हैं, विनेश फोगाट जी। उनको जोलाना की सीट से अपना कैंडिडेट घोषित किया है कांग्रेस ने। दरअसल ये जींद जिले का एक सीट है जो कांग्रेस काफ़ी टाइम से यहाँ पे जीत दर्ज नहीं कर पाई है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कठिन सीट दी गई है विनेश फोगाट को। अगर ये जीत जाती हैं तो ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात है कि जो सीट उनके पास नहीं आ रही वो मिल गई। अब दोस्तों, ये कैसे नुकसान होने वाला है, कुछ दिक्कत है इंडिया गठबंधन में, वो समझते हैं केजरीवाल को आखिर इसमें कहाँ नुकसान है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने ये जो अपनी सीटें शेयर घोषित कर दी हैं, इसमें कहीं भी आम आदमी पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी की गठबंधन की जो होना था हरियाणा में कांग्रेस के साथ, वो लगभग अब सारी संभावनाएँ ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि अब जो संदीप आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इनका कहना है, ये प्रवक्ता भी हैं और वाकई बोल रहे हैं कि भारी गलती वो लोग कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी को बहुत ही छोटा समझ रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के, और वो पार्टी के निर्देश का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर पार्टी ये बोलेगी कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ना है, तो इनका ये कहना है कि हमारी तैयारी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की है, और हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे और अच्छा खासा वोट प्राप्त करेंगे। ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी का कि वो लोग पछताएंगे बाद में जो अभी हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, वो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो, लेकिन जो लोकल लीडरशिप है हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस की, वो चाहती है कि चुनाव अकेले लड़ा जाए, क्योंकि उनको लगता है वो अकेले चुनाव को जीत लेंगे, और सीट शेयरिंग में दिक्कत आ रही है आम आदमी पार्टी के साथ। आम आदमी पार्टी बता रहे हैं कि 10 सीटें मांग रही है, जबकि कांग्रेस उनको 5 सीट देने के लिए रेडी है। तो ये जो 5 सीटों का गैप है, ये बड़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रहा है दोनों पार्टियों के बीच में, और उनका गठबंधन हो नहीं पा रहा है। यहीं से दिखता है कि विपक्ष कितने एक है, जब एक होना चाहिए तब तो एक है नहीं, बाद में आप कुछ भी करते रहिए। अभी अगर अलग अलग सब चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वोट बटेगा, और जब वोट बटेगा तो उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी को अगर फ़ायदा मिलेगा तो बनी बात है फिर वो तीसरी बार अपने हो सकता है कि सरकार भी बना ले हरियाणा में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से तो इंडिया गठबंधन चल रहा है, जब दिखना चाहिए कि हम एक हैं तब वो अलग अलग भाग रहे हैं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम अकेले जीत लेंगे, और आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि ये भविष्य में बहुत बड़ी आपकी गलती होगी हमको शामिल ना करना, हमारे साथ चुनाव ना लड़ना, और हम तो अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है हरियाणा में। अब ये तो खैर वक्त बताएगा कि किसकी कितनी तैयारी है, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो वो भी बहुत सतर्कता के साथ काम कर रही है, ऐसा नहीं कि कहीं भी झुक जा रही है। हालांकि उसको, वो एक बड़ा प्लेयर है, उसको तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए, झुकना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन वो बिल्कुल भी झुकने के मोड में है नहीं कांग्रेस। और राहुल गांधी भी चाहते हैं, लेकिन प्रदेश यूनिट इस वक्त नहीं चाहती है। हालांकि अगर ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी बात को राहुल गांधी रखेंगे तो वो गठबंधन हो जाएगा, तब इतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन
अभी फिलहाल नहीं हो रहा है गठबंधन, तो वही केजरीवाल अभी जेल के अंदर हैं, इनकी जो समय है वो अच्छा चल नहीं रहा है। और जब अच्छा समय नहीं चल रहा होता तो ऐसा ही होता है कि आप चाहते हैं गठबंधन हो जाए, वो गठबंधन हो नहीं रहा है। अगर गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है कुछ सीटें जीत लें, अकेले तो बहुत ही मुश्किल है चुनाव को जीत पाना। हालांकि ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीत नहीं सकती है, आम आदमी पार्टी भी चुनाव जीत सकती है, आखिर उसके दो प्रदेशों में सरकार चल रही है और बहुत ही मजबूत सरकार चल रही है। दिल्ली में तो पिछले 10 सालों से हमको देखने को मिल रहा है कि वो बैठे हुए हैं सत्ता में आम आदमी पार्टी, और अभी हमने पंजाब में भी देखा कि वो सत्ता में है, भगवंत जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और अच्छे से सरकार भी चला रहे हैं। अभी कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं जिससे लोगों को लगे कि नहीं कुछ गड़बड़ किया या क्या है। ऐसे ही दिल्ली में लोगों को जो उन्होंने वादे किए वो उन्होंने पूरे किए, अब वो कैसे किए वो एक अलग बात है डिबेट की कैसे किए, लेकिन उन्होंने वादों को पूरा किया जो लोगों से उन्होंने प्रॉमिस किया था, तो लोगों ने उनको सत्ता दे दी और कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे भी सत्ता उनको दें। तो दोस्तों ये अब हरियाणा में देखने वाली बात है, ये कितना नुकसान पहुँचाते हैं कांग्रेस को। जैसे कि ये चुनाव लड़ने गए थे आम आदमी पार्टी वाले गुजरात में, और वहाँ इन्होंने वोट प्रतिशत अच्छा खासा गेन किया था, मतलब जैसे वो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे उस हिसाब से उनको वोट ठीक मिला था, अच्छा खासा मिला था, इससे काफ़ी फर्क पड़ा था चुनाव में। तो ऐसे ही हरियाणा में देखने वाली बात है कि कितना असर डालते हैं, और ये एक बनी हुई बात है कि अगर हरियाणा में अगर किसी का स्पेस खाएगी आम आदमी पार्टी तो वो कांग्रेस का ही स्पेस खाएगी, कांग्रेस के ही वोट लेकर जाएगी हरियाणा में आम आदमी पार्टी। जितनी आम आदमी पार्टी मजबूत होगी कांग्रेस उतनी ही कमज़ोर होती चली जाएगी, क्योंकि हमने दो जगह देखा है, दिल्ली में भी देखा है कि उसने पूरी तरह से ख़त्म अगर कोई हुआ है तो कांग्रेस, मजबूत हुई है तो आम आदमी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत अभी भी वैसा ही है जैसा उसके पास पहले था, और अगर हम पंजाब में देखें तो पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी और उसको उखाड़ फेंका आम आदमी पार्टी ने, पूरा वोट लेकर चले गए ये आम आदमी पार्टी वाले। तो कहीं ना कहीं जो राज्यों में मजबूत होती आम आदमी पार्टी तो वो नुकसान करती है कांग्रेस को, तो कांग्रेस भी इस वक्त बहुत सोच समझ के इसीलिए चल रही है कि ऐसा ना हो कि ये हमको नुकसान पहुंचा दें लॉन्ग टर्म में। तो वो चाहते नहीं है कि हम इनके साथ चुनाव में जाएं और इनको अलग ही चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसा कांग्रेस की प्रदेश की यूनिट चाहती है जो हरियाणा प्रदेश की है। तो इस तरह की चीज़ें अभी दोस्तों चल रही हैं। अब देखते हैं कि केजरीवाल आखिर फैसला लेते क्या है, क्योंकि अभी उनके समय के हिसाब से चीज़ें जैसा वो चाह रहे हैं वैसी नहीं हो रही हैं, अभी वो ऐसे बिल्कुल माहौल बन नहीं पा रहा जैसा वो चाहते हैं। तो दोस्तों अब इसके लिए केजरीवाल जी क्या करते हैं ये तो भविष्य की बातें हैं, भविष्य में पता लगेगा। तब तक कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।